बातचीत थी आफ्ताब को लेकर। ये जंगल आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो दिन में यहाँ आना मुश्किल है, लेकिन वो आफ्ताब जो जिससे प्यार करने का दावा करता है, उसके 35 टुकड़े करता है और उसके बाद उसे इसी जंगल में रात 2 बजे अपने बैग में भरकर हर रोज, और 20 दिन ये प्रक्रिया चलती है, 20 दिन तक वो ऐसे ही लाश को यहाँ ठिकाने लगाता रहता है। आज जब पुलिस पहुंची तो 2.5 घंटे यहाँ पर तफ्तीश की गई, उसकी निशानदेही पर शव के बचे टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये आफ्ताब जो ऐसे कत्ल कर सकता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोर्ट में जाकर इनकार कर दे अपने कबूलनामे पर। हालांकि अभी वो ये जरूर कह रहा है कि उसने ये कबूल कर लिया है कि श्रद्धा को उसी ने मारा है, लेकिन उसी के साथ साथ अब बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि शव के टुकड़े उसने बताया कि यहीं कहीं उसने फेंका। उसने फ्लैट जो लिया वो फ्लैट ऐसा लिया ताकि ये जो जंगल है, ये जंगल उसी फ्लैट के करीब पहुंचे और करीब जाकर वो यहाँ उसको फेंक सके, ये पूरी उसने प्लानिंग की। और रात में 2 बजे इसी तरीके के जंगल, जरा देखिए ये जो जंगल आप देख रहे हैं घना आपको दिख रहा होगा, और यहीं पर आप समझिए क्योंकि मामला भी ये 5 महीने पहले का है। आइए जरा कृपाल हम आपको दिखाते, देखिए ये पूरे जो रास्ते हैं अगर आप देखेंगे यहाँ तो इस तरीके के ये रास्ते जहां पर इस अलग अलग जगहों पर टुकड़े में वो शव के टुकड़े उसने फेंके हैं, पुलिस आज यहां पर लेकर आई। यहीं पर उस पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जहां जहां उसने बताया वहां वहां जांच हुई, शव के टुकड़े टोटल 13 टुकड़े अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी और भी सबूत हैं जो पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। उनके बहुत सारे जो दोस्त हैं उन दोस्तों को भी पुलिस ने बुलाया है, लेकिन आपको ये जंगल जरा हम दिखा रहे हैं, देखिए ये जो जंगल है किस तरीके का ये जंगल, क्या आप हिम्मत कर पाएंगे रात में 2 बजे इस जंगल में आने की, जहां दिन में आने से भी आपको एक डर लगेगा। यहाँ जो लोकल, जब मैं आ रही थी तो जो लोकल यहाँ रहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ लोकल के होकर इतने हिम्मत नहीं कर पाते कि यहाँ अंदर जंगल में पहुंचे, लेकिन वो शख्स जो मुंबई में रहने वाला था, कुछ ही दिन पहले दिल्ली में फ्लैट लेकर रहता है श्रद्धा के साथ, और वो यहाँ हर रोज रात बजे आकर 2 बजे रात में यहाँ पर शव को ठिकाने पर लगा रहा, उनके टुकड़ों को, उनके पीसेस को यहाँ ठिकाने पर लगा रहा है। हालांकि पुलिस ने आज पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर दिया था जब वो आफ्ताब को लेकर आए थे, और उसके बाद फिर पुलिस ने जांच शुरू की है। तो ये जंगल हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आज तक की मौजूदगी है, ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो सुबह से मौजूद थे वो भी है। हिमांशु, कितनी देर पुलिस की टीम यहाँ पर थी? आज तकरीबन 2.25 घंटे पुलिस की टीम यहाँ पर थी, इस पूरे इलाके को घेर दिया। देखिए क्या है कि तकरीबन 35 टुकड़े किए जो जानकारी है, अब उन 35 टुकड़ों में से उसने इस इलाके में अलग अलग कुछ टुकड़े फेंके हैं। आज कितने टुकड़े बरामद हुए ये देखिए पूरे जंगल की जानकारी में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, पुलिस शायद खाली हाथ गई है, क्योंकि आप देखिए जैसे यहाँ पर टोटल 13 टुकड़े, हाँ टोटल अब तक 13 हुए हैं, जिनके अभी पहले फॉरेंसिक जाँच ये की जाएगी कि वो ह्यूमन पार्ट्स हैं या नहीं है, उसके बाद फिर उसकी DNA मैचिंग कराई जाएगी। देखिए मुश्किल ये भी होगी हिमांशु, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए मुश्किल ये भी है कि 5 महीने हो चुके हैं और उसके बाद उन टुकड़ों को ढूंढना ऐसे जंगल में जहां पर जंगली जानवर भी होंगे, जहां पर कोई आने की हिम्मत दिन में शायद हम नहीं कर पा रहे हैं यहां पे आने में, सच बताऊं तो डर लग रहा है क्योंकि जंगली कुत्ते भी हैं इस इलाके में, और आप देखिए कैसे कैसे कांटे हैं जो वो पूरे पूरे जूते के अंदर घुस जा रहे हैं स्पोर्ट्स शू, ये बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो किस हिम्मत से रात के वक्त वो आता, 2 बजे आता था, और एक बार नहीं कई बार वो आया, क्योंकि बार बार वो आता था 2 या 3 दिन की रात के बाद वो आता था और यहाँ पे टुकड़े फेंकता था। अब सवाल ये है कि अगर वो टुकड़े उसने यहाँ फेंके और जून के फर्स्ट वीक में फेंके, अब यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर छोटे मोटे हैं, इसके अलावा जंगली कुत्ते के लिए भी चुनौती है।